तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि आपने आज तक यहाँ पर ट्रेन को ट्रैक करते हुए देखा कि वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाने वाले रहता है, इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रैक किए होंगे। लेकिन कभी आपको ये मालूम है कि आप यहाँ आसमान पर उड़ने वाले प्लेन को आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं कि वो प्लेन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं या फिर कहाँ तक सफर करने वाले हैं। लेकिन आप भी अगर प्लेन पर सफर करना चाहते हैं और प्लेन से आपको कितने घंटे लेट है, अगर आप जगह पर लोकेशन दिखाना चाहते हैं कि आपका प्लेन कितने दूरी पर पहुंचा है, कब तक आपको यहाँ पर प्लेन मिलने वाला है, सारे चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल से कहीं पर भी घर बैठे भी अपने प्लेन को या कोई भी प्लेन को आप घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं कि वो प्लेन कौन सा कंपनी का है, प्लेन कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, सारे चीज़ इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर या फिर आप गूगल पे आ जाना है। सिंपली आने के बाद सिंपली सर्च बार पर सर्च करना है फ्लाइट रडार 24। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आपको सर्च टॉपिक आपको यहाँ पर आ जाएगा फ्लाइट रडार 24। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले जो वेबसाइट आपको लिंक मिलेंगे यहाँ पर फ्लाइट रडार 24, सिंपली इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आने वाला है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। उस प्रकार से आपके पास यहाँ पर जो भी वर्ल्ड में जितने सारे आपको प्लेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सारे प्लेन्स आपको यहाँ पर जो रनिंग पे है या फिर आपको एयरपोर्ट पे कह सकते हो या फिर सब अपने अपने यात्रा कर रहे हैं, कोई सा भी प्लेन का आप यहाँ पर जानकारी निकाल सकती है कि वो प्लेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और उसका फ्लाइट नंबर क्या है, ग्राउंड स्पीड क्या है, सारे चीज़ इस प्रकार से आप उसका रूट भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको जैसे आप यहाँ पर लोकेशन का आइकन यहाँ पर आपको तीर का आइकन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक ध्यान रहे आपका जो लोकेशन रहेगा, लोकेशन आपको यहाँ पर चालू रहना चाहिए, उसके बाद आपका जो लोकेशन रहेगा इसमें यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये वाला जो फ्लाइट आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिंपली हम इसका हम जानना चाहते हैं कि फ्लाइट कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो सिंपली फ्लाइट के ऊपर आपको सिंपली इस प्रकार से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई गई ये जो फ्लाइट है बॉम्बे से आपको यहाँ पर दिल्ली से दिल्ली तक जा रहा है, इसका आपको फ्लाइट के आपको कौन सा कंपनी का आपको यहाँ पर नाम भी दिख जाएगा, जैसे एयर इंडिया है, फ्लाइट नंबर AI 660 इस प्रकार से उसका दिया है, ग्राउंड स्पीड जो है 466 यहाँ पर KTS है और यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सारे। उसके बाद अगर आप फ्लाइट का आप रूट देखना चाहते हैं कि कौन सा रूट से फ्लाइट होकर जा रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर 3D व्यूज आपको यहाँ पर रूट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली यहाँ पर रूट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आप रूट पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं अब इसका इस तरह से रूट है, अब यहाँ से होकर जाएगा। बाकी सर अगर फॉरेन कंट्री की बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर बॉम्बे से कौन सा फ्लाइट यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये वाला फ्लाइट जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बॉम्बे तक यहाँ पर आ रही है, तो सिंपली हम उस पर क्लिक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। तो सिंपली इस फ्लाइट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दुबई से यहाँ पर हैदराबाद तक जाने वाला है और आपको यहाँ पर फ्लाइट का यहाँ पर कंपनी भी देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा कंपनी का नाम है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। अगर आपका फ्लाइट का टिकट है और आपका फ्लाइट अगर आपको ट्रैक करना है कि आपका फ्लाइट आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और आपका फ्लाइट कितना देर तक पहुँचने वाला है, अगर इस तरह से आपको अपने आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए चेक कर रहे हैं, तो सिंपली इस प्रकार से आप कोई सा भी आपका जो प्लान रहेगा सिंपली इस प्रकार से चेक करना है कि कितने देर तक आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला है। जैसे यहाँ पर दिल्ली टू बॉम्बे यहाँ पर आ रही है प्लेन, इसका आप यहाँ पर प्लेन का कंपनी का नाम देख सकते हैं, एयर इंडिया का प्लेन है और सिंपली इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेन नंबर, फ्लाइट नंबर सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद दूसरे प्लेन भी अगर इस तरह से आप यहाँ पर कोई सा भी प्लेन अगर आप चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर घर के ऊपर से अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर घर के ऊपर से आपका एक प्लेन गया, अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि फ्लाइट ये कहां से कहां तक जा रही है, ये कहां से आई है, तो सिंपली उसको आपको जाने के लिए सिंपली आपको लोकेशन अलाउ कर देना है, आपके लोकेशन के ऊपर आपको प्लेन इस प्रकार से दिख जाएगा, सिंपली उसको इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर बॉम्बे से यहाँ पर अहमदाबाद ये प्लेन यहाँ पर जा रही है, ये प्लेन का कंपनी जैसे इंडिगो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर प्लेन का नंबर भी दिया हुआ है, कितना स्पीड से चल रहा है आपको फ्लाइट, कितना प्रकार का से आप कोई सा भी फ्लाइट का यहाँ पर आपका रूट से या फिर आपका फ्लाइट का जानकारी वगैरह आप देख सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में आपको यहाँ पर जो आपको प्लेन का यहाँ पर फ्लाइट का जो स्टेटस दिख रहा है सारे चीज़ इस प्रकार से देख रहा है, सारे प्लेन एक दूसरे जगह पर यहाँ पर ट्रैवल कर रही है और सारे चीज़ का आप यहाँ पर लोकेशन आप मोबाइल से ही ऑटोमेटिक घर बैठे से भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह से टेक्निकल से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा।